पहली साधना है तन की साधना, दूसरी साधना है मन की साधना, और तीसरी साधना है जीव की साधना। तन की साधना में मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा। सुंदर साथ बहुत हल्के में लेते हैं इसको, क्योंकि जब आलस्य मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है तो 100 बहाने ढूंढने लगता है। सुंदर साथ का कहना होता है, क्या करें, हम तो चलते फिरते राज्य का ध्यान कर लेते हैं। आप सोचिए, चलते फिरते ध्यान होता तो श्री देवचंद जी भी ऐसा कर सकते थे। हम देवचंद जी से तो बड़े नहीं हैं। आपने वितक में सुना है कि देवचंद जी बांके बिहारी को भोग लगाते हैं और उसके पश्चात ध्यान करके बैठ जाते हैं। एक दिन चितवनी में उनको दर्शन होता है, वे स्वयं को राधा के रूप में देखते हैं और अखंड ब्रज में पहुंच जाते हैं। कृष्ण के साथ घुगनी का प्रसाद होता है, उसको खाने का प्रयास जैसे ही करते हैं, भाव में विह्वल होकर तो हाथ जमीन से टकरा जाता है और जो दर्शन हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। जिस तन में श्यामा जी की आत्मा है, केवल हाथ के टकराने से दर्शन से वंचित हो जाती हैं, तो हम कैसे संभव है कि हम चलते फिरते राज्य को, युगल स्वरूप को, परमधाम के 25 पक्षों को देख लेंगे? ऐसा नहीं है। आपको पहली साधना करनी होगी शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठने की। जब बिना हिलाए डुलाए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का अभ्यास हो जाए तो क्या होगा, आपको शरीर की प्रतीति नहीं रहेगी। और ये मुख्य बिंदु है, मानव तन से परे जब हम हट जाएं, हम स्वयं को परात्म की भावना में रखें। वाणी में एक बार नहीं अनेकों जगह निर्देश दिया गया है कि जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परात्म। हमारा मूल स्वरूप क्या है? परात्म। हमने तो मिट्टी का तन यहां लिया है, सपने का तन है, और ये सपने का तन हमेशा बदलता रहता है। बचपन में हमारा चेहरा कुछ और था, युवावस्था में कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। मान लीजिए यदि हमारी उम्र 72 साल की हो जाए, 75 साल की हो जाए, या 80 साल के हम वृद्ध हैं, हमारे पीठ में भी टेढ़ापन आ गया है, चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, सिर के बालों में सफेदी, आंखों पर चश्मा है, कैसे प्रेम होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि तो शरीर की बनी ही रहेगी। इस ध्यास शास्त्रीय भाषा में कहते हैं देह की प्रतीति। देह का आभास न होना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे श्री देवचंद जी को यदि घुगनी का प्रसाद खाते समय हाथ टकराया नहीं होता तो शायद उनको दर्शन का जो सौभाग्य मिल रहा था वो बंद नहीं होता। हम इस तरह से बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करें कि धीरे धीरे हम खो जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो क्या है, अक्षरातीत। हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार सज रही है। शरीर से जब भूलेंगे तभी हम आत्मिक भाव में लगेंगे, अन्यथा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, कमर झुकी पड़ी है, थोड़ी देर में दर्द हो जाएगा, क्या कहेंगे हम, अरे दर्द होने लगता है। पहले तो शरीर भाव हटाइए, केवल जान से भी नहीं हटेगा, जान से भी हटेगा और अभ्यास से भी हटेगा। ज्ञान दृष्टि से तो सभी जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए जब आप बिना हिले डुले बैठेंगे तो धीरे धीरे शरीर को भूल जाएंगे। हाँ, इस अवस्था में एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको निद्रा के झोंके लग सकते हैं। यदि आपका आसन सिद्ध हो गया तो जैसे बिस्तर पर बैठने का जो आनंद होता है वही आनंद ध्यान में बैठने का होगा। यदि आपने भोजन की गरिष्ठता बढ़ा दी है, मात्रा से अधिक भोजन किया है, ध्यान भंग हो रहा है तो निद्रा लग सकती है, लेकिन निराश ना होइए। ये झपकी है, इसको योग निद्रा कहते हैं। जैसे ही निद्रा आपकी पल भर के लिए लगेगी, आप निद्रा को तोड़ेंगे तो आपका सीधे ध्यान वहीं पहुंचेगा जहां आप पहले ध्यान कर रहे थे। इसलिए जो तन की जो साधना है इसको कहते हैं आसन सिद्धि। दर्शन शास्त्रों में कहा गया है आसीना संभवात, या इसका अर्थ क्या होता है, जो दृढ़ आसीन नहीं हो सकता, बिना हिले डुले नहीं बैठ सकता, वो ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है मन की साधना।
तन की साधना नींव है। किसी मकान की नींव यदि कमजोर हो तो उसे ऐसा नहीं की जा सकती कि बहुमंजिला इमारत खड़ी हो जाएगी। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही ऊंची मंजिल वाले भवन का निर्माण हो सकता है। यदि आपका आसन ही सिद्ध नहीं होगा, किसी रोग से ग्रसित हैं, आप शांति से बैठ नहीं सकते, तो ऊंचे स्तर की ध्यान साधना कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे समाज में? एक नकारात्मकता का ऐसा माहौल है। पहले तो कोई चितवनी करता नहीं, कोई करने जाता है तो उसको 10 लोग टोकते हैं, अरे क्या कर लोगे, परम धाम के होंगे तो ले जाएंगे राज्य। उससे भी आप बाहर निकलिए, करने बैठते हैं तो कहते हैं कि अरे बैठ करके क्या करोगे, चलते फिरते चर्चनी याद कर लो, सागर श्रृंगार की चौपाइयाँ याद कर लो, चलते फिरते ध्यान हो ही जाता है। एक चौपाई रट ली है, ना कुछ जोगारम कष्ट, यही चल दिखाई ब्रह्मशिष्ठ में, ये ब्रजरास में, ब्रज में। तो आप सोचिए, ब्रज की गोपियों का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो ब्रज की गोपियों के सामने उनके कृष्ण थे, उनको आंखें बंद करके ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। जो स्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहा हो सवेरे से लेकर शाम तक, चलिए यदि सवेरे से लेकर शाम तक गायों को बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, लेकिन सवेरे तो मिलते हैं, संध्या से लेकर रात तक कृष्ण के साथ गोपियों को मिलना है, तो वो तो भावात्मक प्रेम उनका बना ही रहेगा, उनको आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होते हैं, मिराज के तन में विराजमान होते हैं, सब सुंदर साथ उनको युगल स्वरूप के रूप में मानकर रिझाते हैं। लेकिन आज मिराज का तन तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसा तन था वो हमें ये भी पता नहीं, युगल स्वरूप इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो हमें अंतःचक्षुओं से तो देखना पड़ेगा, और देखने के लिए अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया, और चलते फिरते न ध्यान हुआ है न कभी हो सकेगा। इसलिए स्थिर सुखम आश्रम योग दर्शन कहता है कि स्थिरता पूर्वक सुख से बैठे। दूसरी चीज मन का आसन, मन की साधना, तन की साधना, मन की साधना। मैं अभी कह रहा था आपके पास 15 लाख या 25 लाख की कार है, बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका एक तार खराब हो जाए, कहीं टूट जाए अंदर मशीनरी का, तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? तार कितने का होगा? कुछ रुपए का, 100-200 से ज्यादा का तार नहीं होगा, लेकिन उस तार के टूटने से 15-20-25 लाख की गाड़ी एक कदम भी नहीं चल पाएगी। वैसे ही आप इसको हल्के नल में न लीजिए कि तन की साधना के लिए वाणी में कहां लिखा है, वाणी में प्रत्येक वस्तु नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये अक्षरातीत की वाणी है, परम धाम का वर्णन करना है। ये सामान्य रूप से हर कोई जानता है कि किस चीज को कहां से लिखा जाएगा। जब बीतक में दृष्टांत दे दिया गया कि हाथ के टकराने से देवचंद जी को दर्शन बंद हो गया, तो इसे सबको शिक्षा ले लेनी चाहिए कि चितवनी के लिए बिना हिले डुले बैठना आवश्यक है।